उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र में एक युवक को सूदखोरों के द्वारा डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था और परेशान किया जा रहा था, जिससे उक्त युवक ने परेशान होकर माधवनगर थाने पहुंचा और लिखित में शिकायत दर्ज कराई। माधवनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया सूदखोर के ऊपर और तुरंत कार्रवाई करते हुए सूदखोर को गिरफ्तार किया है। उसकी देसी लाइसेंसी बंदूक के साथ में और वाहन के साथ माधवनगर पुलिस सूदखोर युवक को थाने पर लेकर आई और मामला दर्ज किया। अलग अलग धाराओं में डराने धमकाने का मामला दर्ज किया गया है। किस प्रकार से ये सूदखोरी का मामला है, क्या पूरा मामला है? कल विजय सिंह सोलंकी को कुछ सूदखोरों द्वारा जो धमकाया गया था उससे अवैध वसूली करने का प्रयास किया जा रहा था और अवैध वसूली के दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई थी और तथा बंदूक को भी उपयोग किया गया था धमकाने के लिए। उस आधार पर दो आरोपीगण के विरुद्ध जो है प्रकरण पंजीबद्ध हमारे द्वारा किया गया। आरोपीगण सुरेश कुशवाहा एवं भरत दोनों को गिरफ्तार किया गया। उनसे राइफल और जो है जिस गाड़ी से वह वारदात करने के लिए आया था उनको भी जब्त किया गया। रिपोर्ट वॉइस ऑफ राइट्स।